हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनसीईआरटी मैट क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का जो भी क्वेश्चन बाकी है उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 3 में जो 10 क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब दोस्तों, 3 का जो 4 क्वेश्चन बाकी है वो उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ताकि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त कर लो, ठीक है। उसके बाद से मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें 6 बता दिया हूँ और 4 मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, 6 नहीं 7 नंबर, क्योंकि 6 तक मैं बता चुका हूँ। 3 का 6 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बराबर आपको 8 दिया है, ए बराबर 8 दिया है और ए एन बराबर 62 दिया है, और इसके बाद से एस एन बराबर कितना दिया है, 210, और एन का मान हमको निकालना है और डी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एस एन भी दिया है और ए एन भी दिया है, इसका मतलब कि हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। एन माइनस वन इंटू डी, तो ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर आप लोग गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो एन मतलब दिया है, तो एन कितना है, 62 है, प्लस ए का मान 8 दिया है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का तो मान निकालना है। तो 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी को समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको एस एन दिया, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन का मान दिया है 210, 210 इक्वल टू एन बाई टू, और 2 गुणे a का मान कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, 54 है। यहाँ पर आप 54 लिख सकते हैं, क्योंकि एन माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ पर दिया है कितना, 54। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे तो टीचर पहचान जाएगा कि यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी का मान हम 54 रखे हैं, ठीक है। तो 210 में इसमें गुणा कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 0, 2, 4, 420, ये एन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 54, ठीक है। तो 420 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आप जोड़िए, 6 10 कर 0, 5 6 7, यानी कि 70 मिलेगा, कितना, 70 n मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 7 6 42, इसलिए हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान क्या होगा, n का मान निकाला था तो एक n का मान एक आंसर आ गया, n का मान 6 हो गया, ये आपका एक आंसर होगा। अब समीकरण 1 में n का मान रख दीजिएगा तो आपको d का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 54 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, तो 54 हो जाएगा और एन का मान 6 माइनस वन इंटू डी, तो ये 54 हो जाएगा और ये 5d हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 54/5, आपका ये भी आंसर हो गया, ठीक है। आपका 2 आंसर मिल गया, एन और डी का मान आपको निकल गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले उसको पढ़िए आप, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का था, एन बराबर दिया है आपको 4, क्या दिया है, एन इक्वल टू दिया है 4 और डी का मान दिया है 2, ठीक है, और एस एन बराबर -14 दिया है। आपको एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एस एन का मान दिया है तो इसका मतलब कि एस एन का फॉर्मूला लगेगा, चूंकि एस एन और एन दोनों का फॉर्मूला लगेगा, चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन का मान 4 है और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है ना। तो आप क्या कीजिए, जो ए का हमको मान निकालना है ना, तो ए को देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा,
ये ऐसा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू होगा इक्वल टू फोर। आपके ए का मान निकाल लीजिए, 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको ए का मान निकालना है। तो इसको समीकरण एक कर लीजिए, हमको ए का मान निकालना है ना, तो उसको आप समीकरण एक कर लीजिए। और आपको क्या करना है, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन का मान कितना है, -14 है, यही एन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टू ए का मान कितना है, ए का मान हम यहाँ पर निकालना है, तो आप टू और ए का मान आप रख दीझिए। ए का मान कितना है, ये मझला कोष्ठक जो है एन, ए का मान कितना है, 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ये आपका एन का आती आती ए का मान हो जाएगा। और प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, डी का मान टू है, तो टू रहने दीजिए, ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन से हम ए का मान रखें, आप ए का मान यहाँ पर इस यहाँ से लिख सकते हैं, टू इंटू ए का मान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। ये 2 और 14 में गुणा होगा तो -28 हो जाएगा, इक्वल टू एन का एन रहेगा, ठीक है, बड़ा कोष्ठक टू और मझौला कोष्ठक, ठीक है। तो ये 4 माइनस 2 एन गुणा कीजिए प्लस टू, ठीक है, मझौला कोष्ठक प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, बड़ा कोष्ठक, और -28 हो जाएगा इक्वल टू एन का एन रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें गुणा कीजिए, 8 माइनस 4 एन प्लस 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब -28 हो जाएगा इक्वल टू एन, और देखिए -4n और यहाँ पर 2n, तो -2n हो जाएगा, ठीक है। और +4 प्लस 8 प्लस 12, 12 में से -2 गया, +10 बचेगा, ठीक है। अब आप गुणा कीजिए, -28 इक्वल टू -2n स्क्वायर प्लस 10n। अब क्या कीजिए, -2n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू -28 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए आपको गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं मिटाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2n स्क्वायर प्लस 10n और ये 28 माइनस में तो इधर आएगा +28 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब माइनस कॉमन लीजिए, माइनस दो कॉमन ले लीजिए, तो ये n² - 5n - 28 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो -2 जाकर भाग लगा जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए n² - 5n - 28 इक्वल टू जीरो। तो 7 चौका क्या होता है, अब आप इसका एलसीएम तोड़िए, ठीक है, एलसीएम आप इसका बनाइए। यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड तोड़िए, n² - 7n + 2n, -14 = 0। अब n कॉमन लीजिए, n - 7 = 0 हो जाएगा। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, अगर आप लोग 10th में हो तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कीजिएगा तो 2n - 14 आ जाएगा, तो ये एन प्लस टू हो जाएगा और ये n - 7 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। चूंकि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर n+2 इनवैलिड हो जाएगा और n-7 आपका आंसर होगा, इसलिए n-7 = 0, n = 7। तो यहाँ पर एक n का मान 7 आ गया, ठीक है, n का मान 7 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a = 4 - n-2 × 2। तो 4 माइनस n का मान कितना है, 7 - 2 × 2 है, क्या हो जाए 4 और माइनस ये कितना आएगा, 7 में 2 गया 5, 5 दो ना 10, तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आपका a का मान कितना हो गया, a का मान आपका कितना हो गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एन माइनस वन ना है, यहाँ पर एन माइनस वन है, तो ये 6 दो ना 12 होगा, ठीक है, 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इसलिए हमारा ए का मान कितना आ गया, -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इतना में क्वेश्चन 9 बन जाएगा, ठीक है, इतना ही में क्वेश्चन 9 बन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए इसी बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि a = 3 दिया है, a = 3 दिया है
एन बराबर 8 दिया है और एस बराबर क्या दिया है 192, तो डी का मान निकालना है। दोस्तों एस का मतलब हुआ एस एन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एस एन बराबर क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर एन बाई टू और ये 2a+ एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एक एस एन का मान कितना 192 है, ठीक है, और एन बाई टू, और आपको किसका मान एन बाई टू, यानी कि एन का मान 8 दिया है, तो 8/2 और 2a, a का मान 3 है, प्लस 8 - 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कितने गुणा हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, 18 + 8 = 2, 1 = 3, 384 हो गया, यहाँ पर 384 नहीं, इसको काट दीजिए, सबसे आसान रहेगा, 4 हो जाएगा, तो ये 192 = 4 हो गया, ठीक है। और ये 6 + आपको डी का मान, आपको मान निकालना है, तो यहाँ पर 7d हो गया, ठीक है। अब 192 6 × 24 हो जाएगा, प्लस 7 × 28d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाकर घटाइए, 192 - 24 = 28d, इसको घटाइएगा तो 8 मिलेगा, और 8 में से 2 गया, 6 मिलेगा और 1 मिलेगा, ये 28d हो गया। 28d तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा ये 6 बार में, ठीक है। वहाँ पे अच्छा 28 और 6 × 12 = 16, तो इसलिए आपका डी बराबर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी का मान निकलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 10 देख लीजिए, इतना में आठ जाएगा क्वेश्चन 10, ये भी काफी हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में एल बराबर आपको मिला है 28, एल बराबर क्वेश्चन में 28 दिया है और एस बराबर 144 दिया है, तो एस का मतलब आप लोग समझते ही होंगे एस एन, ठीक है। और कुल पद 9 है, तो कुल पद का मतलब क्या होगा, एन बराबर 9 दिया है, तो आपको ए का मान निकालना है, ए का मान कितना होगा। दोस्तों याद कीजिए कि हम और फॉर्मूला एस एन का बताए थे, चूंकि एस एन बराबर हम क्या बताए थे, एस एन का फॉर्मूला एक और आपको बताए थे, एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ एल क्या है अंतिम पद है, तो एस एन का मान 144 दिया है और एन का मान कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ए का मान कितना दिया है निकालना है, ठीक है, और प्लस एल का मान 28 दिया है, तो 28 रहने दीजिए। अब 2 ले जाकर 144 में गुणा कीजिएगा तो 288 मिलेगा, 288 = 9a+, 288 मिलेगा ना, 288 इसको रहने दीजिए और 9 ये रहने दीजिए और ये 1 + 28 रहने दीजिए। अब इसको कटाइए, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 32 आया, ठीक है, 32, तो 32 = a+28, यहाँ पर 32 है ना, आप 32 में से ए बराबर 32 में से 28 घटेगा तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो ए बराबर 4 हो गया, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4, क्या हो जाएगा, ए बराबर 4। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का आगे जो भी क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 वो बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही चाहते हो कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको अच्छी तरह समझा कर देते रहूँ, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे ऐसे आने वाला कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देना भूल गया कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो, और जहाँ भी कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ल्ड वीडियो में मिलेंगे।